तो आज 14 सितंबर शाम का वक्त है, शाम का समय है। सुबह आपको इसी गाय की लाइव मिल्किंग दिखाई गई थी, इसका दूध तलवाया गया था। अब शाम के समय भी इस गाय का दूध निकाला जाएगा। एक बार इस सरिस को बाहर ले आए गाय को, तो देखिए काफी ऊंची हाइट की, तकरीबन 5 फुट से ज्यादा हाइट गाय की देखने को मिलती है और काफी बराबर कंप अडर। नीचे बछड़े को देखिए, आगे ले चले इसको, गाय को बिल्कुल सफेद सुंदरी, बिल्कुल सफेद चमकीले मारती है जो शाइनिंग है गाय की। ये देखिए काफी सुंदर गाय, अडर देखिए, पीछे से अडर देखिए, पीछे से जो थनों का गैप है, अगले और पिछले थनों का गैप काफी सुंदर है, देखा जा सकता है। जितना अच्छा गैप होगा गाय उतना ही अच्छा दूध देगी। और जो यहाँ से नाभि से अडर तक की जो ये त्वचा लटक रही है, ये मिल्क वेन है, इनको देखिए। कुछ भाई कह रहे थे कि ये थारपारकर मिक्स है, थोड़ा बहुत 2% कह सकता हूँ, हो सकती है, नहीं तो ज़्यादातर हरियाणा नस्ल ही है। यहाँ पर देखिए सुंडी बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ी बहुत ये जो अडर तक, अडर से सुंडी तक की जो ये त्वचा लटक रही है, ये दुधारू नस्ल की जो पहचान है। तो देखिए काफ़ी सुंदर गाय। अब इसका आपको दूसरे टाइम का शाम का दूध तलवा कर दिखाया जाएगा। सुबह का दूध था इसका 8 किलो 542 ग्राम। तो यहाँ पर दुष्यंत सर ने बताया कि जो ये बछड़ा है इसकी उम्र लगभग 45 से 50 दिन हो चुकी है, तो इसके शरीर को देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो सुंडी है, जो सूंड है, ये बिल्कुल पक कर अलग हो चुका है, टूट चुका है। तो सच में ही इसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 दिन है। तो दुष्यंत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया था कि पिछले ब्यात में इस गाय ने 20 किलो, कितना बताया था आपने दूध, 20 किलो 400 ग्राम दूध दिया था, लेकिन अब इसने दूध इतना नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये बीमार हो गई, जापान ने चाटना खाई जी, और फिर या डॉक्टर के लाए रे, मान ले वो ये नहीं होगी, हीट में है, हीट में है, अब हीट में है। आप देख सकते हो जो जो थनों में अभी भी पाउसी हुई है, थनों में इसके दूध आया हुआ है, अब ये गाय हीट में है, हीट में आने से भी जो गाय का दूध कम हो जाता है। दुष्यंत सर ने मेरे से बार बार रिक्वेस्ट की थी इस गाय की लाइव मिल्किंग चलाने के लिए, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पाया। इसके लिए मैं खेद जरूर व्यक्त करना चाहूँगा। इस ब्यात में भी तकरीबन इसने 20 के आसपास बना दिया था, और पिछले ब्यात इसने 20 किलो 400 ग्राम दूध निकाला था। अब की बार ज़्यादा फीड खिलाने की वजह से इसने फीड से ग्रानी मान गई, बीमार हो गई, और जो इसका मिल्क रिकॉर्ड भी करवाया गया था सेकेंड ब्यात में, सेकेंड ब्यात में सर कितना दूध निकाला था इसने? सेकंड ब्यात में था जी इसका 17.5 लीटर, 17 किलो 500 ग्राम, फर्स्ट में 13.5, ठीक है ठीक है। तो अब इसकी जो सेकंड टाइम की लाइव मिल्किंग और दिखाएं एक बार। अब गाय का जो दूसरे बार का जो दूध निकाला जाएगा, आप गाय की चाल देखिए, गाय की काफी सुंदर चाल है, और जो अडर है बिल्कुल चिपका हुआ है, अन्य नस्लों की तरह, अन्य गायों की तरह इसका हिलता हुआ नहीं चलता। तो देखिए बछड़े को छोड़ दिया गया है, अब दूध निकालने का काम शुरू होगा। भूल गए, प्लीज गूगल टेल मी डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो 6:18 श्यामकाल का समय है, और मंडे 14 सितंबर। तो देख सकते हो जो मिल्किंग का काम शुरू कर दिया गया है। ऊपरली बाल्टीन क्या अंदर खा लेगी वहाँ? खाली बाल्टी दिखाएं सर, ठीक है कर दें चालू।
आजा खंडवा दी। तो दूध निकाल लिया गया है, दूध निकालने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसको तोल कर और दिखाएं सर। जीरो बाल्टी को रखें, पहले खाली बाल्टी को रखें, अब जीरो कर दें। ठीक है, डालें सर दूध डालें। अच्छे से साफ कर ले इसको। नौ किलो 202 ग्राम सुबह का था, 8 किलो 542 ग्राम सुबह भी 6:14 पर आपको दिखा दिया गया था समय, और अब शाम को 6:18-19 के आसपास थी। तो समय में कोई फेरबदल नहीं की गई है। तो तकरीबन इस गाय का जो दूध है लगभग 17.5 से 18 के बीच अभी भी है, बीमार होने के बावजूद भी। और पिछले ब्यात में सर का कहना है कि पिछले ब्यात में कितना निकाला था सर, 20 किलो 400 ग्राम। तो देखिए उसका अंदाज़ा लगा देगी, अगर अब कुछ तो गाय अब हीट में है और कुछ बीमार हो गई, इस कारण जो इसका दूध मैं 20 से ऊपर नहीं तलवा पाया। नहीं, अगले ब्यात में इस गाय का जो दूध है 20 किलो से ऊपर आपको जरूर लाइव मिल्किंग से दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। जो ब्राज़ील जैसे देश हैं, जिन देशों में दुनिया का एकमात्र ब्राज़ील एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर जितनी भी जो उनकी जो कैटल्स हैं, जितनी भी गाय हैं, वो सभी भारतीय नस्ल की गाय हैं। एकमात्र दुनिया में ऐसा देश ब्राज़ील ही है जिसमें अपनी खुद की कोई भी नस्ल नहीं बची, कोई भी नस्ल नहीं बची, इनके अपने भारतीय नस्ल का ही गोबर गोमूत्र का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पता नहीं अपने देश वाले भारतीय क्यों देसी गायों की बेकदरी कर रहे हैं, क्यों इनकी महत्वता को नहीं समझते। अगर ऐसी ऐसी दूध उत्पादन क्षमता वाली गायों को अगर सही समय से संभाल कर रख लिया जाता तो आज हमारे देश में भी दुधारू गायों की कमी नहीं होती, और ब्राज़ील की तरह ही हमारी गाय भी आज 45 से 50 लीटर तक दूध उत्पादन निकाल देती। तो नस्ल संवर्धन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, सही समय से सचेत जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गायों को, ऐसी ऐसी दुधारू गायों को नहीं देख पाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।